क्या इसकी रूपरेखा है, क्या टारगेट है, क्या बीजेपी के खिलाफ है या खुद को अपने समाज के लोगों को एकजुट करना है? ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर ईवीएम का खेल इस देश में पैदा किया। 2004-2009 में ईवीएम से घोटाला करके कांग्रेस ने सरकार बनाई, जबकि 2000 तक का अगर आंकड़ा आप देख लो जो चुनाव आयोग के डाटा में अवेलेबल है, किसी सरकार को बहुमत नहीं मिल रहा है। यकायक ईवीएम आने के बाद 2004 को बहुमत की सरकार बनती है, तो ये सारा ईवीएम का खेल था। 2004 में जो ईवीएम मशीन लगाई गई थी उसमें वोट डालने वाले को उसका वोट किसके नाम पर जमा हो रहा है दिखाई नहीं देता था। 2009 में भी ऐसे हुआ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं आपको उसकी कॉपी देने के लिए भी तैयार हूँ। तो अखबार वालों ने एक लाइन की खबर नहीं छापी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, ऑर्डर है, मगर मीडिया वालों ने उसको बायकॉट किया। इसका मतलब है मीडिया ईवीएम के घोटाले में सक्रिय रूप से सहभागी है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा 2004 से पहले का। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2004 से ईवीएम का खेल शुरू हो जाता है। उस टाइम तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वो अगर करते तो शायद वो रिपीट होते, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये काम कांग्रेस ने किया, तो फिर कांग्रेस सत्ता में कैसे आई? 84 में आपको याद होगा काशीराम जी ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नाम का संगठन बनाया था जिसका छोटा नाम था DS4, याद होगा आपको? तो ये थोड़ा साइंस के फार्मूले जैसा नाम था, DS4, S2SO4, ऐसा जैसे केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं उस तरह से वो उन्होंने उसका नाम रखा था। तो लोगों को बड़ा ये DS4 क्या है, उसका लंबा नाम था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, डी और फोर जो है एस आ रहे थे, तो उन्होंने ऐसा नाम दिया था DS4। तो उनका नारा था, ये उनका नारा था, क्या नारा था, 84 की बात है, 14 अप्रैल 84 की, ये उनका नारा था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस को लगा अरे बात, ये तो ऐसा स्लोगन है जो आम आदमी को फौरी समझ में आएगा और जो लोग हमको गुमराह करके हम उनको वोट लेते हैं वो तो वोट देना बंद कर देंगे, तुम्हारी सरकार चली जाएगी। ये स्लोगन के बाद ये ईवीएम का कानून कांग्रेस ने पास किया, बीजेपी ने नहीं पास किया, कांग्रेस ने ईवीएम का पास किया हुआ कानून है 84 के इस स्लोगन के बाद, ठीक है? नहीं, ये संगठन जो है 84 पे नहीं, ये संगठन 6 दिसंबर 81 को बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति 84 नहीं, 6 दिसंबर बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण था, 6 दिसंबर 81 को ये संगठन बनाया था और उसके बाद ये कानून कांग्रेस ने पास किया। वो कानून की बहुत लंबी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ा लागू करने के लिए, 20 साल वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए, उसके बाद 2004 को वो ऑल इंडिया में लागू कर पाए। और जब लागू करने का समय आया था तब अटल बिहारी की सरकार थी, तो अटल बिहारी ने ईवीएम नहीं लाया था, ये लाया था कांग्रेस ने। अटल बिहारी को मालूम नहीं था कि इसमें घोटाला करके कैसे जीता जाए, ये सारा खेल कांग्रेस को मालूम था, तो उन्होंने वो खेल खेला। सरकार अटल बिहारी की वाजपेयी की होने के बावजूद भी खेल उनको खेला, क्यों? क्यों वो तकनीक उनको मालूम था। तो सर, 4 में जीती 9 में जीती, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 4 में जीती, इस वजह से 4 को कांग्रेस से चुनाव जीता, फिर 9 में जीता। और हैरान करने वाली बात क्या है कि 2000 तक जिन लोगों को सेंटर में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, उन पार्टियों को बहुमत मिलकर सरकार आई, फिर 9 को भी कांग्रेस की सरकार आई। 14 में कैसे चली गई, ईवीएम से खेला होना था। 2004-2009 में जब ये घोटाला करके सरकार बनाई, तो 2009 के चुनाव में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहे थे, तो 500 बूथ पर उसको कहीं कहीं 0 पड़ा, सुब्रमण्यम स्वामी को कहीं कहीं 1 पड़ा, कहीं कहीं 2 पड़ा। फिर अरे ये क्या मामला है भाई, मैं इसके पहले चुनाव लड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या हुआ? ईवीएम मशीन चालू करने के बाद में 0, 1500 बूथ थे, उस 1500 बूथ में 500 बूथों में कई कई 0, कई 1, कई 2 उसको हरवा दिया। उसने सारा डाटा कलेक्ट किया, सारा डाटा कलेक्ट करके एविडेंस ले करके सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट लेके गए।
सुप्रीम कोर्ट ने सारा डाटा उसकी एनालाइज करने के बाद में 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। एक पार्टी अगर नेशनल पार्टी इसके विरोध में होती तो खत्म हो गया होता, दोनों को इसका बेनिफिट हुआ, दोनों इसको चलाना चाहते हैं। लेकिन विपक्षी दल तो इलेक्शन कमीशन गए थे कि ईवीएम को हटा दिया जाए, तमाम नेता पहुंचे थे, क्या वो ड्रामा था? विरोध करने के भी तो कई तरीके हैं। मान लो आपने एक निवेदन दे दिया और निवेदन देने के बाद अखबार में खबर आई, खबर आने के बाद सारा अपोजिशन चुप हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, सवाल ये है कि अगर मेन अपोजिशन पार्टी के लोगों ने अगर ऐसा किया जो आप कह रहे हो, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, ठीक है किया, हुआ क्यों नहीं? क्यों? देखो हम ऐसा करेंगे, बाकी कुछ करना धरना नहीं, हम इसको लंबा आंदोलन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको बंद होने तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम एक निवेदन देंगे, फॉर्मेलिटी होगी, तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है हम करें। 24 में क्या सत्ता पलटने का समय आ गया? 10-10 साल दोनों के हो गए हैं, अब तो क्या 24 में फिर सत्ता पलट? अभी दो विकल्प है कांग्रेस बीजेपी के पास, दो विकल्प कि जो पहले 10 साल का खेल हमने खेला था, अब दोबारा 10-10 साल का खेल खेलने के लिए 10 साल का खेल बीजेपी को खेलने दे कांग्रेस, फिर उसके बाद 10 साल का कांग्रेस को, ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है कांग्रेस को लाया जाए, कांग्रेस को लाने की प्रक्रिया कर्नाटक से शुरू हो गई है, संभवतः छत्तीसगढ़ में लाया जा सकता है, संभवतः राजस्थान में लाया जा सकता है, संभवतः मध्य प्रदेश की विधानसभा में लाया जा सकता है, और एकाएक लोकसभा में बीजेपी आएगी। ये स्टेट्स में कांग्रेस भी आएगी, जब बीजेपी आएगी तो मीडिया वालों को ये लिखने के लिए कहा जाएगा मोदी जी की लोकप्रियता ज़्यादा है, राज्य में जो बीजेपी के नेता है वो कमज़ोर थे कांग्रेस के सामने, इसकी वजह से कांग्रेस वहाँ आई, मगर मोदी जी के सामने कांग्रेस वाले टिक नहीं पाए क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी के सामने टिक नहीं पाए। थ्योरी तो ये बैलेंस बनाकर चीज़ें हो रही हैं। ये नहीं, नहीं देखो मैन, ये सारा खेल जो है ना, ये इसमें बहुत बड़ा खेल मीडिया का है। आखिर मीडिया का क्या इंटरेस्ट है भाई? मीडिया इस विषय पर मैं सॉरी देश भर में बहस कर रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ ईवीएम के, वो क्यों नहीं चर्चा करना चाहता? क्या इंटरेस्ट है? पार्शियल इम्पल्स, लोगों को निर्धारित करने दो ना, तुम मीडिया में बैठे हुए संपादक क्यों निर्धारित कर रहे हो? लोकतंत्र के मालिक कौन? जनता है ना, लेट द पीपल जज, लोगों को जज करने दो ना, तुम चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? मेरा यह कहना है, ये साला देश खतरे में जा रहा है, कल जाकर अगर मान लो ईमानदार लोगों को ऐसा लगा कि तो सारा हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो कल हथियारबंद आंदोलन हो सकता है। अब बोलेंगे क्यों? अगर लोगों का अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव करने का अधिकार संविधान ने दिया ना, कि केंद्र में राज्य में किसकी सरकार होनी चाहिए, ये वोट डालकर शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव का तरीका है कि नहीं? अगर लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव के तरीके को रोकने का काम किया तो फिर हथियारबंद आंदोलन हो सकता कि नहीं? तो ये खतरा है, मैं वार्न कर रहा हूँ देश के और तमाम लोगों को, ये खतरा है। अगर आप लोगों के शांतिपूर्ण परिवर्तन के अधिकार को रोकने का काम करोगे तो लोग हथियारबंद आंदोलन करेंगे। मैं खुद ही भारत बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। भारत बंद के बाद भी अगर इन्होंने चुनाव आयोग ने नहीं माना तो हम लोग 2024 में ईवीएम फोड़ेंगे, फोड़ने की बातें कर रहा हूं मैं, ईवीएम फोड़ेंगे। हमारा ये कहना है कि मैं चुनाव आयोग को लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का पैनल मशीन की डिजाइन करे, तुम्हारी नहीं, तुम तो चुनाव आयोग तो घोटाले में शामिल है, चुनाव आयोग मशीन की डिजाइन नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का पैनल एक्सपर्ट्स लोगों के साथ मिलकर डिजाइन तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं कि वो फेयर काम कर रहा है या उसमें पर आप आरोप लगाएंगे? देखो अराजकता निर्माण करने वाली बातें करने का कोई मतलब नहीं यार। देखो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस का क्या है, वो वहाँ बदमाशी नहीं होती है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर वो नंगे होने से डरते हैं। 50-50 तो होगा कुछ अंदर होगा। जो आदमी भी चोरी करता है तो आपके पास आकर चोरी करता है। नमस्कार साहब, पत्रकार जी नमस्कार, सवेरे 4 बजे आपके घर में मैं चोरी करने के लिए आने वाला हूँ, तो आप जागो या सो मगर मैं चोरी करूँगा, ऐसा कोई चोर बताता है क्या? ऐसा तो नहीं, छुपकर ही करता ना। मान लो सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो रहा है तो छुपकर ही हो रहा है ना, तो हर आदमी को नंगा होने का डर होता है, और जब हमारे जैसे और लाखों लोग सड़कों पर उतरे फिर तो उनको ज़्यादा ही डर होता है कि साले तो हमको भी नंगा करेंगे, तो मैं तो किसी को भी नंगा करने के लिए भी है। अगर जो लोकतंत्र की हत्या करने की में सहभागी होगा, हम हर एक को पकड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। चुनाव आयोग को ऑटोनॉमस पावर है, वो कोई केंद्र सरकार की एजेंसी या ऑफिस नहीं है,
वो ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है, उसके पास पावर है। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने तुमको पावर दिया क्या कि तुम मनमानी कुछ भी करते रहो? एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि जब काउंटिंग होती है तो लोगों के मन में ही सवाल है, क्योंकि आपने इतनी बातें बताई, जब काउंटिंग होती है तो स्टोर रूम में जाकर के स्ट्रॉन्ग रूम में वहाँ पर चीज़ें बन जाती हैं, सील वगैरह लगा दी जाती है प्रत्याशियों के सामने ही, उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो वहीं पर चीज़ें ओपन की जाती हैं, तो जब वो स्ट्रॉन्ग रूम में चीज़ें सेव हैं, ताला लगा दिया जाता है, तो उसके अंदर कैसे फिर आप हेर फेर की बातें कर रहे हैं? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार शामिल है, ये आपके समझ में नहीं आ रहा है? मैं तो इलेक्शन कमीशन एक बात है, सरकार शामिल है हर चीज में। इलेक्शन कमीशन के बारे में लोग डाउट नहीं करते थे, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बता रहा हूँ, भारत सरकार इसमें शामिल है। ये तो मैं कह ही रहा हूँ ना, 2004-2009 में कांग्रेस ने इसको घोटाला कर लिया, बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। सरकार की मदद के बगैर और चुनाव आयोग की मदद के बगैर ये कैसे संभव है? और जो आप कह रहे हैं वो 2400 घंटे कोई आदमी देख रहा है उधर क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी है? नहीं नहीं, वो सारा चेंज होता है, उसके भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास। ये जो 17 सवाल है ना, वो उसके बारे में भी सवाल है। ये सवाल पूछा गया कि ये आपका जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है गाड़ियाँ, ये मशीन लेके जाने का आने का, उसका डिटेल दो, कौन सी गाड़ी नंबर क्या था, कि हमारे पास नहीं है। बराबर, चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, नहीं हमारे पास नहीं है। अरे तुमने गाड़ी बुक किया बगैर गाड़ी नंबर क्या गाड़ी बुक किया? जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का मांगा रिकॉर्ड, और नहीं है, इसका मतलब मिले हुए। तो ऐसे तो बीजेपी हटेगी नहीं फिर देश में, जो आप कह रहे हैं ऐसे तो बीजेपी देश में सत्ता से कभी हटेगी नहीं, ये उल्टा पलटा चलता रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस और बीजेपी और बीजेपी और कांग्रेस में अगर इस मुद्दे पर, ईवीएम के मुद्दे पर अगर मान लो ऐसा चल रहा है, तो इस देश में हथियारबंद आंदोलन का खतरा है। यही तो इजीली तो बोल रहा हूँ, अब पकड़ नहीं रही बात को सीख से, बराबर कह रहे हो। इससे तो फिर हटेंगे नहीं, तो कांग्रेस जाएगी। मैं इसके बारे में क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। एक राजा राम है, एक सीताराम है, एक राजा राम है, एक सीताराम है, राजा राम सीताराम, 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 राजा राम सीताराम। हम मोटर लोगों के साले राजा राम सीताराम का भजन गाते रहो, चुनाव आते रहेंगे, हम भजन गाते रहेंगे, और बस एक जगह राजा राम एक जगह सीताराम, अरे हम लोग केवल भजन गाने का काम करते रहे।